हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के निटिंग क्रिएशन। देखिएगा फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत ही प्यारा सा और इजी सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसको बनाने के लिए हमने 8 के मल्टीपल में फंदे सेट करने होंगे। 8 के मल्टीपल में फंदे डाल के एक फंदा हम प्लस कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम कार्डिगन में, बेबी फ्रॉक में, जैकेट में, किसी भी पैटर्न में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के आता है और बनाने में बहुत ही ईजी है। देखिएगा फ्रेंड्स, बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। अब हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम 9 के मल्टीपल में फंदे डाल के और एक फंदा प्लस कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ से डिजाइन शुरू किया था वैसे ही अब हम यहाँ से करेंगे। 9 के मल्टीपल में जैसे 9 फंदे, फिर ये 9 फंदे, फिर 9 फंदे, फिर 9, फिर 9, आखिर में एक फंदा बच जाएगा। ऐसे अपने फंदों को हम सेट कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ऐसे ही अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है, 12 सिलाइयों में बन के कम्प्लीट हो जाता है और बहुत ही आसान डिज़ाइन है। पहली सिलाई हम ऐसे उल्टी बनाएंगे, धागा आगे, ऐसे ही इस पूरी सिलाई को हम उल्टा ही बनाते हुए जाएंगे। इस पूरी सिलाई को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये पहली सिलाई उल्टी बन के तैयार हो गई। अब हम आते हैं दूसरी सिलाई पर रोंग साइड में। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये दूसरी सिलाई सीधी बनेगी। ऐसे पीछे धागा करके पीछे की तरफ ही बनाते जाएंगे। ऐसे इस पूरी सिलाई को, दूसरी सिलाई को हम सीधा बनाएंगे, उल्टी तरफ से ये सीधी बनेगी। ऐसे करते हुए हम इसको पूरी सिलाई को सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये दूसरी सिलाई सीधी बन के तैयार हो गई। अब हम आते हैं तीसरी सिलाई पर सीधी साइड में। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये तीसरी सिलाई ऐसे उल्टी ही बनती जाएगी। बहुत ही आसान डिजाइन है और बनने के बाद बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है, बनाने में बहुत ईजी है। आगे धागा करते हुए ऐसे हम इस तीसरी सिलाई को पूरा उल्टी ही बनाते हुए जाएंगे। उल्टी बनाते हुए इस तीसरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये तीसरी सिलाई उल्टी बन के कम्प्लीट हो गई। तीन सिलाई हमने बना ली। अब हम आते हैं रोंग साइड में चौथी सिलाई पर। चौथी सिलाई हमारी ऐसे सीधी बनती जाएगी, पीछे धागा करके ऐसे पूरी सिलाई को हम सीधा ही बना लेंगे। ये 12 सिलाइयों में हमारा डिजाइन बन के तैयार होगा। 4 सिलाई हमारी पहले उल्टी सीधी बनेंगी। इस पूरी सिलाई को हम सीधा ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये चौथी सिलाई उल्टी तरफ से सीधी बन के तैयार हो गई। बैक साइड से ये डिजाइन ऐसे नजर आएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये पांचवी सिलाई है। ये डिजाइन तो हमारा बन गया, ये 4 सिलाइयाँ बन गई। अब जो बीच का डिजाइन है इस डिजाइन के हम फंदे सेट करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, पहला फंदा हम सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे हम ऐसे सीधे बनाएंगे या एक जाली डल गई बीच में, दो फंदे सीधे, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, दो फंदे सीधे, फिर इस फंदे को लेके इस सिलाई पे इसको पलट लेंगे। ऐसे ये दो का एक कर देंगे, ऐसे फिर इन दो का एक कर देंगे आगे की साइड से। इनका पीछे की साइड से दो का एक किया था, इनका आगे की साइड से दो का एक।
एक फंदा सीधा, एक जाली, दो फंदे फिर सीधे, फिर दो का एक पीछे से फंदा पलट के, ये दो का एक आगे की तरफ से बगैर फंदा पलटे, फिर ये दो फंदे हम सीधे बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे के हमारे जैसे ये यहाँ पे ऐसे ही जाली डलती जाएगी, ये सीधा फंदा बनाएंगे, ये जाली बन जाएगी इस धागे की, फिर धागा आगे करेंगे, ये इसकी जाली बन जाएगी, दो सीधे फंदे उतार देंगे ऐसे, दो फंदे सीधे, फिर इस धागे को फंदे को ऐसे पलट लेंगे, फिर दो का एक बना देंगे ऐसे पीछे की साइड से, इनका दो का एक आगे की तरफ से, फिर दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे, फिर एक जाली डलेगी, ये फंदा सीधा बनेगा, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये फंदा सीधा, ये दो फंदे बनाएंगे सीधे। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ से डाल ली थी, एक फंदा सीधा, एक जाली, दो सीधे, फिर दो फंदे का एक, फिर दो का एक, फिर दो सीधे, फिर एक जाली, ये जैसे यहाँ तक फंदे डले, ऐसे ही आगे रिपीट करते हुए जाएंगे हम, दो सीधे, अब इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे, फिर दो का एक करेंगे पीछे की साइड से, इनका दो का एक आगे की तरफ से करेंगे ऐसे, फिर दो फंदे सीधे करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे हमारे ये दो फंदे गटते हैं, दो दो का एक ये, दो का एक ये बना, फिर ये यहाँ पर एक फंदा, तो ये यहाँ पे बढ़ गया, एक इस पे बढ़ जाएगा, दो गटे हैं, दो ही बढ़ जाएंगे, उतने ही फंदे रहेंगे जितने हमारे फंदे हैं। एक और बना देंगे, फिर धागा आगे करेंगे इस फंदे पर, फिर जाली डल जाएगी दोनों तरफ, फिर धागा आगे करेंगे, ये दो फंदे फिर सीधे बनाएंगे, फिर इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे, फिर दो का एक कर देंगे ऐसे पीछे की साइड से, इनका दो का एक आगे की तरफ से ऐसे, फिर दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे, ये फंदा सीधा, इसके दोनों तरफ जाली डलेगी, धागा आगे, दो फंदे सीधे, फिर इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे, फिर दो का एक कर देंगे पीछे से, इन दो का एक आगे की तरफ से करेंगे, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, ये फंदा फिर सीधा बनाएंगे, जैसे हमारा यहाँ भी एक फंदा सीधा, फिर जाली है, यहाँ भी ऐसे ही बन गया। ये हमारी थी पांचवी सिलाई, अब हम आते हैं छठी सिलाई पर। छठी सिलाई हमारी ऐसे, पूरी सिलाई हमारी उल्टी ही बनती जाएगी, छठी सिलाई को हम उल्टा ही बनाएंगे, उल्टा बनाते हुए इसको छठी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आते हैं अपनी, अब हमने ये अपनी जो छठी सिलाई थी ये उल्टी बना के कंप्लीट कर ली। अब हम आते हैं सातवीं सिलाई पर, सीधी साइड में। अब फिर वही पैटर्न जो हमने पांचवीं सिलाई पे किया था, ये पहला फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर इस फंदे को हम ऐसे लेके सिलाई पे ऐसे पलट लेंगे, फिर ये दो का एक कर देंगे ऐसे, इनका आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे, ये और एक ये जाली वाला, ये दो फंदे सीधे, फिर जो ये बीच का फंदा है इसके दोनों तरफ फिर जाली डलेगी ऐसे, ये सीधा बन गया, फिर धागा आगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर इस फंदे को सिलाई पे ले लेंगे और इसको पलट लेंगे, फिर ऐसे दो का एक कर देंगे पीछे की साइड से, इनका करेंगे आगे की साइड से दो का एक, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ये जाली डल जाएगी हमारी, ये दो फंदे फिर सीधे,
फिर इस पर देखो सिलाई पर ले लेंगे और इसको पलट लेंगे, पीछे की साइड से ऐसे दो का एक कर देंगे, इनका दो का एक आगे की तरफ से करेंगे, फिर ये दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ये जो सीधा फंदा इसके दोनों साइड जाली डलेगी, फिर धागा आगे करेंगे, ये दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर इस फंदे को सिलाई पर ले लेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे, पीछे की साइड से ऐसे दो का एक कर देंगे, इनका दो दो का एक आगे की तरफ से करेंगे, फिर ये दो फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, एक जाली डल गई, अब फिर जाली डलेगी यहाँ पर, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये दो फंदे फिर सीधे बनाएंगे, फिर इस फंदे को सिलाई पर लेके ऐसे पलट लेंगे और इसका दो का एक बना देंगे ऐसे पीछे से, इनका दो का एक आगे की तरफ से बनाएंगे, दो फंदे फिर सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और इस फंदे को फिर सीधा बना देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये सातवीं सिलाई बनके तैयार हो गई। अब हम आते हैं आठवीं सिलाई पर, अब हम आते हैं अपनी इस आठवीं सिलाई पर। आठवीं सिलाई हमारी फिर छठी सिलाई की तरह ही पूरी सिलाई उल्टी बनेगी, ऐसे उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे अपने। ये हमारी आठवीं सिलाई है, इसको हम पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये आठवीं सिलाई उल्टी बनके तैयार हो गई। अब हम आते हैं सीधी साइड में नौवीं सिलाई पर, फिर वही पैटर्न है ये जो सातवीं सिलाई में था, एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे, ये जाली पड़ जाएगी हमारी, फिर इस फंदे को सिलाई पे ले लेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे, फिर दो का एक ऐसे पीछे की साइड से कर देंगे, फिर इनका दो का एक कर देंगे आगे की तरफ से, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे। देखिएगा फ्रेंड्स, दो सिलाई बनने के बाद तो हमारा ये डिजाइन नज़र आने लगा, फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे के दोनों तरफ जाली डल जाएगी ऐसे, ये जाली डल गई और ये दो फंदे सीधे बन गए। अब इस फंदे को सिलाई पे लेंगे और ऐसे पलट लेंगे, फिर दो का एक पीछे की तरफ से कर देंगे और इनका दो का एक आगे की तरफ से कर देंगे, दो फंदे ये हमारे घटते हैं यहाँ पर, एक फंदा यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पे, वही दो फंदे फिर हो जाएंगे, जितने फंदे हमने शुरू में डाले थे उतने ही फंदे हमारे आखिर तक रहेंगे, दो फंदे घटते हैं बीच में, दो फिर बढ़ जाते हैं जाली से, इस फंदे के दोनों तरफ फिर जाली आएगी, फिर ये एक फंदा और बन गया, ये दो फंदे सीधे। अब फिर इस फंदे को सिलाई पे लेंगे और ऐसे पलट लेंगे और इसका पीछे की साइड से ऐसे दो का एक कर देंगे, फिर ये दो फंदे हैं जो इनका आगे की तरफ से करेंगे, फिर दो फंदे सीधे बनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, इस ये सीधा फंदा बनेगा, इसके दोनों साइड में जाली डल जाएगी ऐसे, एक फंदा सीधा बन गया, एक ये बन गया, इसको फिर सिलाई पे लेंगे और ऐसे पलट लेंगे, फिर दो का एक बनाएंगे ऐसे, इनका दो का एक आगे की तरफ से करेंगे, फिर ये दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे के दोनों तरफ जाली डल जाएगी, फिर धागा आगे करेंगे, ये दो फंदे फिर सीधे करेंगे, फिर इस फंदे को ही सिलाई पे लेंगे ऐसे पलट लेंगे, फिर दो का एक पीछे की तरफ से करेंगे, इनका दो का एक आगे की साइड से करेंगे, फिर ये दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और ये फंदा फिर सीधा बना देंगे। ये हमारी नौवीं सिलाई बन के तैयार होगी और हमारा डिजाइन भी दिखाई देने लगा। अब आ गए हम दसवीं सिलाई पर, दसवीं सिलाई हमारी पूरी ऐसे उल्टी ही बनती जाएगी, ऐसे इसको उल्टा ही बना लेंगे।
देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये 10वीं सिलाई उल्टी बन के तैयार हो गई। अब हम आते हैं सीधी साइड में 11वीं सिलाई पर। फिर वही पैटर्न जैसे सीधी तरफ से बनता है। ये पहला फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर दो फंदे फिर सीधे बनेंगे। एक ये धागा आगे करने में जाली डल गई, जैसे ये डलती आ रही है। दो फंदे सीधे, इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे, फिर दो का एक कर देंगे, इनका आगे की तरफ से दो का एक करेंगे ऐसे, फिर दो फंदे फिर सीधे बनेंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे के दोनों तरफ जाली डल जाएगी। धागा आगे करेंगे, ये दो फंदे सीधे बनाएंगे, ये हमारी एक जाली डल गई, एक फंदा बन गया, एक और बना देंगे ऐसे। फिर इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे, यहाँ से दो का एक पीछे की तरफ से दो का एक कर देंगे, इनका आगे की तरफ से करें ऐसे, फिर दो फंदे फिर सीधे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये फंदा सीधा बना देंगे, धागा आगे करेंगे, इस धागा आगे हुआ जो इसकी जाली डल जाएगी, और ये दो फंदे ऐसे सीधे बना लेंगे। फिर इस फंदे को लेंगे सिलाई पर, ऐसे पलट लेंगे, फिर दो का एक कर देंगे पीछे से, इनका दो का एक आगे की साइड से करेंगे, फिर दो फंदे फिर सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, और ये फंदा सीधा बनेगा बीच वाला, इसका आगे की साइड करेंगे, फिर ये दो फंदे सीधे बना देंगे, फिर इस फंदे को लेंगे और पलट लेंगे पीछे की साइड से, ऐसे दो का एक कर देंगे, इनका आगे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर ये दो फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, और ये फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये दो फंदे फिर सीधे बनाएंगे, फिर इस फंदे को लेके ऐसे पलट लेंगे और दो का एक कर देंगे, इनका आगे की तरफ से ही दो का एक, और ये दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और इस फंदे को सीधा बना देंगे। ये हमारी 11वीं सिलाई थी। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये डिजाइन नज़र आने लगा और हमारी तीन जालियां बन के तैयार हो गई। अब हम आते हैं 12वीं सिलाई पर। ये 12वीं सिलाई हमारी पूरी उल्टी ही बनेगी ऐसे, इसको पूरा उल्टा बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी 12वीं सिलाई उल्टी बन के तैयार हो गई। अब जैसे हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया था, चार सिलाई हमारी ये बनी हुई है उल्टी सीधी बनते हुए, आठ सिलाइयों में ये डिजाइन जाली डली, 12 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमारी 13वीं सिलाई फिर ऐसे ही, ये चार सिलाइयाँ जैसे ये डली हुई थी सीधी, पहले उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी फिर सीधी, चार सिलाइयाँ बना के फिर यही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे और हमारा डिजाइन आगे बढ़ता हुआ जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है। इसको कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में, फ्रॉक में, किसी भी पैटर्न में आप बना सकते हो। बहुत ही प्यारा और उभर के आने वाला डिजाइन है। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।